कबूतरों की एकता। सुबह का समय था और कबूतरों का एक झुंड जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। सफेद कबूतर ने पूछा, मैं बहुत भूखा हूँ, हमें खाना कब मिलेगा? बूढ़े कबूतर ने कहा, सब्र करो, हमें जल्दी ही कुछ खाने को मिल जाएगा। सफेद कबूतर उत्तेजित होकर चिल्लाया, अरे देखो, मैं बहुत सारे दाने घास पर फैले हुए देख रहा हूँ। लेकिन काले कबूतर ने कहा, थोड़ी सावधानी से, यह तो मुझे फंसाने के लिए बिछाया हुआ जाल दिखाई दे रहा है। सफेद कबूतर ने कहा, पागल मत बनो, आओ नीचे चलकर स्वयं देखते हैं। कबूतरों का झुंड घास पर उतर गया और अपनी चोंचों से दानों को खाना शुरू कर दिया। वे सब खाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शिकारी पेड़ की टहनियों में छिपा बैठा है। अचानक सारे कबूतर जाल के अंदर फंस गए। कबूतर चिल्लाए, अरे नहीं नहीं, हम सब फंस गए हैं। काले कबूतर ने कहा, मैं पहले ही जानता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, सारी गलती सफेद कबूतर की है, उसी के कारण हम सब फंस गए हैं। सफेद कबूतर क्रोधित स्वर में चिल्लाया, मैं तो यही चाहता था कि सबको अच्छा खाना मिल जाए, मेरी क्या गलती है? बूढ़े कबूतर ने कहा, कृपया आप सब शांत हो जाइए, यह आपस में लड़ाई करने का समय नहीं है। यदि हम एकता से काम करें तो हम अपने आप को शिकारी से बचा सकते हैं। जाल के अंदर बंद संघर्ष करते हुए कबूतर चिल्लाए, लेकिन कैसे कैसे हम ये जाल तोड़ेंगे? शिकारी हमारे पास ही आ रहा है, अब हम निश्चित रूप से मारे जाएंगे। बूढ़े कबूतर ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक योजना है। जैसे ही मैं गिनती शुरू करूं, सभी कबूतर चाल उठाकर एक साथ उड़ना शुरू कर देना। शिकारी बहुत खुशी से बोला, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने पहले कभी भी इतना बड़ा कबूतरों का झुंड नहीं पकड़ा है। बूढ़ा कबूतर चिल्लाया, चलो तैयार हो जाओ। सभी कबूतरों ने एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया और वे जाल लेकर उड़ गए। शिकारी को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि सारे कबूतर उसका जाल लेकर उड़ गए हैं। शिकारी ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया। शिकारी थक गया और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, कबूतरों ने एकता दिखाकर मुझे धोखा दे दिया। बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब आपने देखा मेरे मित्रों, यदि हम एक हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, यदि हम अलग हैं तो कोई भी हमें मार सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है।